गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह एक कंपनी के गोदाम में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह करीब 8:45 के समय बहरामपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पार्ट्स बनाती थी, उसके गोदाम में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और बचाव कार्य दल मौके पर पहुँच गया, पर तब तक कंपनी के फर्स्ट फ्लोर पूरा जल कर खाक हो चुका था। कंपनी मालिक की माने तो लाखों का नुकसान हो चुका है। कंपनी के मालिक ने बताया कि टू व्हीलर के प्लास्टिक के पार्ट्स को रखा गया था। कंपनी के मालिक के अनुसार शॉर्ट सर्किट के चलते कंपनी में आग लग गई। दमकल विभाग और बचाव कार्य मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि दमकल विभाग द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग पहुंच गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। पर बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन के करीब दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी। ये 9:13 पे फायर स्टेशन ऑफिसर ललित जी ने टेलीफोन द्वारा सूचना दी कि बैरमपुर में इसके रोडवेज वर्कशॉप के नज़दीक आग लगी। ये इसमें बैटरी थी और जो इसका ये फर्स्ट है ना जी, फर्स्ट पे जो सामान था ये प्लास्टिक का था, जो बैटरी थी उसको नुकसान हुआ। बैटरी में विस्फोट तो हुआ लेकिन विस्फोट से किसी को कोई ऐसी मतलब किसी को कोई चोटें नहीं। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले काफ़ी लपटें उठी हुई, इसका हम बता नहीं सकते कि आप ऐसे नहीं देखिए नुकसान का इतनी जल्दी मैं नहीं कुछ कह सकता। हमारी गाड़ियाँ फायर स्टेशन सेक्टर 37 से और फायर स्टेशन सेक्टर 29 से, फायर स्टेशन MIT से, फायर स्टेशन उद्योग विहार से, सभी से और अपने फायर ऑफिसर जी आपको हमने दिया। बहरहाल कंपनी में लगी आग पर घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग द्वारा काबू पा लिया गया। दमकल विभाग द्वारा बताया गया कि कंपनी में प्लास्टिक के पार्ट्स में आग लग गई थी, जिस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से भी दमकल विभाग की मदद ली गई और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसी के साथ कंपनी में और भी माल रखा हुआ था, उसे बचा लिया गया। द ग्राउंड न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पांचाल की रिपोर्ट।